जैसे कि हमें रोज भगवान का नाम का स्मरण करना है, रोज जल्दी उठना है, चाय कॉफी नहीं पीना है, मावा नहीं खाना है, तंबाकू नहीं खाना है। मावा कितना खाते हैं, कौन कौन खाता है यहाँ पे मावा? गुजरात से काफी लोग मावा खाते हैं, है ना? मावा नहीं खाना चाहिए एक्चुअली, भगवान के सामने तो मावा नहीं खाना चाहिए। कुछ कुछ लोग मंदिर में जाते हैं तो कुछ खाते जाते हैं, ये गलत बात है। कुछ लोग मंदिर के आते वक्त ऑनियन गार्लिक कुछ खा के आते हैं, तो मुंह धो के आना चाहिए। व्हेन यू कम टू द टेंपल, इफ यू इवन इफ यू हैव ईटन ऑनियन गार्लिक, यू शुड वॉश योर माउथ एंड कम टू द टेंपल। लेकिन ये सब छोड़ने के लिए भी शक्ति चाहिए, मतलब चाय कॉफी छोड़ने के लिए शक्ति चाहिए, जल्दी उठने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। और उठने के बाद भी आईफोन को हाथ ना लगाना, ये उसके लिए भी शक्ति चाहिए, है ना? किसको उसके लिए चाहिए शक्ति? उठते ही आईफोन को ना हाथ लगाना, ये बहुत बड़ा एडिक्शन है। हमारे बच्चे हैं वो वहाँ पे बैठे हैं, पोकेमॉन खेल रहे हैं शायद। बड़ा मुश्किल है बच्चों को भी ये करना। तो ये सब चीज़ें छोड़ने के लिए भी शक्ति चाहिए, है ना? इफ यू डोंट हैव डिटर्मिनेशन यू कांट गिव अप द थिंग्स। तो ये शक्ति कैसे मिलेगी? हाउ डू यू गेट द स्ट्रेंथ टू अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स? कैसे करेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग। सो जो अर्जुन थे, व्हेन अर्जुन हैड नो स्ट्रेंथ, यू नो महाभारत युद्ध में जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन गेव अप ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड ही गेव अप द बो एंड एरो, धनुष बाण छोड़ दिया उसने, और बोलते हैं कि अभी मेरे में कोई शक्ति नहीं है, अभी मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, मुझे स्वेटिंग हो रहा है, आई कांट इवन टेक अप द बो एंड एरो। सो ही सेज टू कृष्णा, कृष्णा आई एम नॉट गोइंग टू फाइट। एंड देन अर्जुन गेट्स द स्ट्रेंथ टू फाइट एंड ही विंस द महाभारत वॉर। सो अर्जुन के पास शक्ति नहीं थी और बाद में शक्ति आई, तो क्या डिफरेंस था? सरेंडरिंग। हरे कृष्ण। सो दैट्स द करेक्ट थिंग। सो भगवान को सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर टू कृष्ण, दैट वॉज द अर्जुन स्ट्रेंथ। अर्जुन गॉट द स्ट्रेंथ बिकॉज ही गेव अप एवरीथिंग। करिष्य वचनम तवा, सेड कृष्ण यू टेल मी एंड आई विल डू व्हाटएवर यू वांट। Complete surrender, which means that without arguing, whatever Krishna wants, I will do it because Krishna wants it. So Arjun gave up everything and started following the instructions of Krishna. So if we follow all the instructions of Krishna or Krishna's representative, which is Guru, you know, or Balramji is also Guru Tattva. So if we follow the instructions of Krishna or Krishna's representative or Guru, then we can get spiritual strength. अगर आप साधु संतों के साथ रहते हैं, अगर devotees के साथ रहेंगे तो strength अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि जो devotees रहते हैं वो surrendered रहते हैं, you know, the devotees of Lord are surrendered to Krishna. So when we associate with the devotees, what happens? We get the strength. क्योंकि अब हम देखते हैं कि ये प्रभु जी भी चैंटिंग कर रहे हैं, ये प्रभु जी भी चैंटिंग कर रहे हैं, वो प्रभु जी भी चैंटिंग कर रहे हैं, चलो मैं भी कर दूँ, साथ में हो जाता है। इसलिए मंदिर आते हैं और मंदिर बैठ के हम कीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, किस लिए? क्योंकि साथ साथ में स्ट्रेंथ आ जाती है ना? अगर अकेला ट्रैवलिंग करने का बोले तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन साथ साथ में ट्रैवल करें तो जल्दी रास्ता निकल जाता है ना? वी गेट द स्ट्रेंथ फ्रॉम ईच अदर, दैट इज़ वाई वी हैव टू डेवलप द कॉन्ग्रीगेशन। We have to work together towards Krishna. इसलिए हम भगवान के यहाँ आते हैं हर संडे को, तो साथ में बैठ के हम थोड़ा बहुत चैंटिंग भी करना जरूरी है, कीर्तन भी करना जरूरी है, सो सरेंडर करना जरूरी है। तो सरेंडर कैसे हो सकता है? दो प्रकार के सरेंडर रहते हैं, वी ऑल आर सरेंडर्ड। कुछ लोग अपने बीवी को सरेंडर हो जाते हैं, कितने लोग सरेंडर्ड हैं? करना पड़ता है कंपलसरी सरेंडर। प्रभु जी सरेंडर करने के लिए जा रहे इंडिया, ये हमारे प्रभु जी वो बोल रहे मैं सरेंडर होने को जा रहा हूँ। लेकिन भगवान को सरेंडर होना बहुत जरूरी है। सो भगवान को सरेंडर कैसे? कैन एवरीबॉडी रिपीट आफ्टर मी? कृष्णा फ्रॉम दिस डे
All. All. I am. Yours. Yours. Can we repeat again all together? Krishna, from this day on, I am yours. So when you say I am yours, what does that mean? We should completely surrender. मैं आपका हूँ, यानी मेरा जो भी है वो भी आपका है. ये तन, मन और क्या बताया? किसने बताया धन? ये लोग बोलते हैं तन मन है तेरा, चेकबुक है. तो सब कुछ भगवान को देना बहुत जरूरी है. अगर हम थोड़ा विड्रॉ करेंगे ना, तो भगवान भी उतना विड्रॉ करेंगे, है ना. कृष्ण रेसिप्रोकेट्स इन द प्रोपोर्शन. जैसे कि आज और एक त्यौहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका है रक्षाबंधन. रक्षाबंधन भी परसों है, बलराम जयंती और रक्षाबंधन कम्स ऑन द सेम डे, है ना. सो द्रौपदी, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, एवरीबडी नोज द स्टोरी. विशाल, तुम्हारे महाभारत के उपाकू छे काचू छे, हु आर डूइंग वस्त्रहरण? कौरव और पांडव. हु आर कौरव? Your Yudhishthir, Kaurav or Pandav? Yes, Pandav. Yes. Are you sure? Some people don't know who is Kaurav. That's a target to So there are how many Pandavs? Can you name them? Your time starts now. Bhim. Moto kon hoto? Bigger one? Okay, good. Second one? थर्ड नहीं बोल, चौथो अर्जुन, पांडव और कौरव. ओ वाह, हरे कृष्ण, दैट्स गुड. सो व्हेन द्रौपदीज वस्त्रहरण वाज बीइंग डन बाय, हु वाज द पर्सन डूइंग वस्त्रहरण? दुशासन. So when Draupadi was being harassed by Dushasan and all the robes were being taken away, that time Draupadi remembered Krishna. But before she remembered Krishna, she was trying to hold her clothes by herself. अपनी साड़ी का अपने आप ही पकड़ रही थी. लेकिन दुशासन के पास तो कितना बल था? हजारों हाथी का बल था. तो द्रौपदी उसको पकड़ नहीं सकती थी, है ना. तो पहले दो हाथ से पकड़ रही थी, लेकिन वो भी नहीं पकड़ रही. फिर उसने अपने पति को बुलाया कि आप पांच महारथी हो, आप इनको कुछ करो. लेकिन वो पांच महारथी भी कुछ नहीं कर सके. जब द्रौपदी के पास कुछ भी नहीं रहा, तो द्रौपदी ने अपना एक हाथ से वो वस्त्र पकड़ रही थी और दूसरे हाथ उठाया और गोविंद को याद किया कि हे गोविंद, आप मुझे बचाओ. लेकिन फिर तो भगवान नहीं आए. फिर जब कुछ नहीं रहा द्रौपदी हाथ में, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा लिए और बोले, द्वारकाधीश, आप आके मेरी रक्षा करो. जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए, तो भगवान वहां पे हाजिर आ गए. इमीडिएटली वहां पे आ गए. कहां से आए? द्वारका से आए, द्वारकाधीश. जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया अपने सुदर्शन चक्र से, तो सुदर्शन चक्र से भगवान की उंगली में थोड़ा सा खून निकल गया था, है ना. ब्लीडिंग स्टार्टेड. दैट टाइम द्रौपदी वहां पे खड़ी थी. साड़ी फाड़ के द्रौपदी भागी और अपना वस्त्र जो था, साड़ी थी, उसको फाड़ के भगवान के आगे बाजू लगा दी. उसने कुछ परवाह नहीं की कि लाख रुपए की साड़ी है, 10,000 रुपए की इतनी की साड़ी है, कुछ नहीं. इमीडिएटली भगवान की सेवा में लग गई. तो वो जो दिन है जब द्रौपदी ने भगवान को उंगली के ऊपर वस्त्र लगाया, वो है रक्षाबंधन.
द्रौपदी ने भगवान को वस्त्र लगाया, तब से रक्षाबंधन, भगवान ने कहा कि आई विल प्रोटेक्ट यू। इसलिए रक्षाबंधन का ये भी इम्पोर्टेंस है कि भगवान को याद करें। जैसे ही द्रौपदी की रक्षा भगवान ने की, वैसे ही हम भी भगवान को राखी बांधते हैं। एक्चुअली रक्षाबंधन के लिए हमें भगवान को भी राखी बांधनी जरूरत है, पहले भगवान को राखी है ना। भाई बहन की रक्षा करने के लिए बहन भाई को बांधता है राखी, क्योंकि द्रौपदी कृष्ण भगवान की बहन थी वैसे तो। इसलिए उस द्रौपदी को और भी एक नाम है, कृष्णा, है ना। हम कृष्ण बोलते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्णा नहीं बोलते हैं, है ना। कभी कभी वेस्टर्नर्स बोलते हैं कृष्णा, लेकिन कृष्णा ये द्रौपदी का नाम है। कृष्णा आज भी आता है तभी वो प्रोटेक्शन हो जाता है, है ना। जैसे कि दुर्गा, दुर्ग के बाद में आ लगता है तो दुर्गा हो जाता है। तो दुर्गा यानी क्या, जो ये पूरे विश्व की, ये जो पृथ्वी लोक है, मटेरियल वर्ल्ड है, इसकी जो वॉच गार्ड करती है, ये पृथ्वी को दुर्ग भी कहा जाता है, और उसके जो गार्ड है वो दुर्गा है, मदर दुर्गा, है ना। तो जैसे कि जेल में गार्ड रहता है तो वो किसी को बाहर नहीं जाने देता है, जैसे मदर दुर्गा, वैसे ही कृष्णा ये द्रौपदी का नाम है, क्योंकि द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने प्रोटेक्ट किया था। तो ये रक्षाबंधन का दिन है, वो दिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान आपने जैसी द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही रक्षा आप हमारी करना, क्योंकि हम आपको सरेंडर हो चुके हैं। और रक्षाबंधन का दूसरा भी एक है इम्पोर्टेंस, जब वामन देवता, है ना, वामन देवता कौन सा अवतार है, पांचवा अवतार भगवान का, बटुक अवतार। जब वामन देवता आए थे और वामन देवता ने दो ही स्टेप में तीनों लोक, और वो बलि महाराज के पास जो भी था सब कुछ वामन देवता ने नाप लिया दो ही, और उन्होंने पूछा कि तीसरा स्टेप कहाँ रखूं। तो वामन देवता ने कहा कि बलि महाराज ने कहा आप मेरे सर के ऊपर तीसरा पैर रखूं। जब बलि महाराज खुद सरेंडर हो गए और अपना सब कुछ, है ना, सरेंडर का एक एग्जाम्पल है बलि महाराज। बलि महाराज ने क्या किया, भगवान विष्णु को अपने पास जो भी था सब कुछ दे दिया। और जब भी बलि महाराज के पास कुछ भी नहीं था तो बोले कि अभी ये शरीर है ये आपका है। जब बलि महाराज ने ये कहा तो वामन देवता ने कहा कि मैं आपको सूतल लोक का राजा बनाता हूं, और वहां पे आपके द्वार की रक्षा मैं करूंगा। तो भगवान बलि महाराज के वहां द्वार पार हो गए। तो जब लक्ष्मी माता को मालूम पड़ा, बिल्ला गॉडेस लक्ष्मी केम टू नो दैट विष्णु हैज बिकम नाउ द द्वारपाल ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, जॉब ले लिया नया जॉब सिक्योरिटी सर्विस एट लॉर्ड बलि महाराज पैलेस। तो लक्ष्मी माता काफी दुखी हो गए, और वो आए बलि महाराज, और उन्होंने बलि महाराज को राखी बांधी। किसने, लक्ष्मी माता ने। तो बलि महाराज ने कहा कहो आपको क्या चाहिए, क्योंकि भाई को बहन को देना पड़ता है कुछ ना कुछ, है ना। कितने भाई देते हैं सबको देना पड़ता है। आज भी कुछ बहने हैं राखी लेके खड़ी है, तो पॉकेट में कुछ है कि नहीं देख लेना थोड़ा बहुत। तो बलि महाराज ने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने लक्ष्मी माता ने कहा कि आपके पास तो सब कुछ है, सिर्फ आपके द्वारपाल जो है उनको वापस घर पे भेजो, ड्यूटी से रिलीव करो उनको। उन्होंने कहा ठीक है। तो वामन देवता जो भगवान विष्णु खुद थे वो लक्ष्मी जी के साथ चले गए। तो इसलिए रक्षाबंधन का ये भी इम्पोर्टेंस है। इसलिए आज हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान जैसे आपने बलि महाराज की रक्षा की, जैसे द्रौपदी की रक्षा की, वैसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी भी रक्षा करें। तो वो आज का दिन है, तो हम सब साथ में मिलकर भगवान को प्रार्थना करेंगे। वी ऑल रिसाइट महामंत्र फॉर थ्री टाइम्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. We have some of the pictures from the past years of Raksha Bandhan. You see here our gang, all the devotees, our sisters will tie Rakhi. If you are willing, we have some extra Rakhis here. So please stay back after the aarti is finished and you will be getting an opportunity. Here is our all the friends. These purane pictures hai, 2 saal pehle ke, 3 saal pehle ke hai. Last year ke bhi hai kuch. We all have Raksha Bandhan celebration here today.